नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ नेहा, और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज और नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मोइनुल हक स्टेडियम के पुनर्निर्माण की मिली मंजूरी, राजेंद्र नगर में होगा प्रतिष्ठित स्टेडियम का पुनर्निर्माण, लीज पर मिलेगी जमीन। बेरोजगारी युवाओं के लिए सुनहरा अवसर, पीएमसीएच में 4,315 नए पदों पर होगी बहाली, नई भर्ती प्रक्रिया को लेकर उत्साह का माहौल। राजस्व एवं भूमि सुधार ने किया नई नीति का ऐलान, अब बंटवारा नहीं हुआ तो भी सर्वे में शामिल हो सकेंगे आप। चक्रवाती तूफान दाना का असर बिहार में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, सुरक्षा के उपायों को पालन करने की अपील की गई। और आज के दिन भारत को मिली थी शानदार जीत, विराट कोहली के शॉट से रोया था पूरा पाकिस्तान। पाकिस्तान के खिलाफ रोहित ने खेली थी 82 रन की नाबाद पारी। अब खबरें विस्तार से। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि मोइनुल हक स्टेडियम राजेंद्र नगर पटना के पुनर्निर्माण के लिए बीसीसीआई ने एक दीर्घकालीन लीज के तहत एक संबद्धता प्राप्त संस्था को जमीन सौंपने के लिए मंत्रिमंडल की अनुमति प्राप्त कर ली है। बता दें, ये स्टेडियम बिहार का एक प्रतिष्ठित खेल स्थल है, जहां पहले कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं, लेकिन वर्तमान में ये जड़ सड़ अवस्था में है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने खेल विभाग को सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया है। पिछले कुछ समय में कई अन्य राज्यों में भी बीसीसीआई द्वारा इसी तरह के स्टेडियम निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। ये पहल न केवल बिहार के खेल क्षेत्र को सशक्त बनाएगी, बल्कि राज्य के युवाओं को भी खेलों के प्रति प्रेरित करेगी। बिहार में अगले महीने से होने वाले पैक्स चुनाव की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। मंगलवार को दावा आपत्ति का समय समाप्त हो गया और अब 25 अक्टूबर को फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। ये लिस्ट चुनाव प्रक्रिया के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। पैक्स चुनाव 6,422 समितियों में होंगे और इसके लिए वोटिंग बैलेट पेपर से होगी। हर पद के लिए अलग अलग रंग का मत पत्र निर्धारित किया गया है। चुनाव 26 नवम्बर से 30 दिसम्बर के बीच 5 चरणों में सम्पन्न होंगे। निर्वाचन प्राधिकार ने सभी अधिकारियों को रंग के अनुसार तैयारी के निर्देश दिए हैं। इन चुनाव में महिलाओं के लिए 50% पद आरक्षित हैं। बिहार सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी पीएमसीएच में 4,315 नए पदों पर भर्ती की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी किया है कि 29 अनुपयोगी पदों को समाप्त करके इन नए पदों का सृजन किया जाएगा। इससे न केवल युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में भी सुधार होगा। इसके अलावा परिवहन विभाग में भी नई नौकरियों की सौगात है। 102 लिपिक के पदों के साथ साथ कई अन्य पदों का सृजन किया गया है, जिससे युवाओं को विभिन्न विभागों में करियर बनाने का सुनहरा अवसर मिलेगा। इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर युवाओं में काफी उत्साह है। बिहार के कई शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI में लगातार वृद्धि हो रही है। राजधानी पटना, बेगूसराय, पूर्णिया और गया जैसे प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण ने एक नई चिंता पैदा कर दी है। आज सुबह पटना में AQI 258 दर्ज किया गया, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। इसके अलावा गया और हाजीपुर का AQI भी 200 से ऊपर रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ताजा आंकड़ों के अनुसार AQI 283 के साथ बिहार में सबसे खराब स्थिति देखने को मिली। अन्य शहर जैसे औरंगाबाद, बेतिया, बक्सर और मुजफ्फरपुर भी इससे अछूते नहीं रहे। बता दें कि 50 या उससे कम AQI को अच्छा माना जाता है, जबकि 101 से 200 के बीच रहने पर यह मध्यम श्रेणी में आता है, जो कि फेफड़े और दिल के मरीजों के लिए खतरनाक होता है। ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल में आने वाले चक्रवाती तूफान दाना का असर बिहार पर भी पड़ेगा। 24 अक्टूबर की रात से 25 अक्टूबर की सुबह तक प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में, विशेषकर झारखंड से सटे जिलों में हल्की बारिश के साथ गरज चमक की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने बताया कि भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, लखीसराय, नवादा, गया, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, वही 25 अक्टूबर को पटना समेत अधिकांश शहरों में बादल छाए रहेंगे। इसी बीच 24 अक्टूबर को पटना पुरी स्पेशल समेत 12 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। सभी से अपील की जा रही है कि वे सुरक्षा उपायों का पालन करें और स्थिति को लेकर सतर्क रहें।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने हाल ही में एक नई नीति का ऐलान किया है, जिससे पारिवारिक बंटवारे के बिना भी लोग भूमि सर्वे में शामिल हो सकेंगे। इस नीति के तहत जिन लोगों का पारिवारिक बंटवारा नहीं हुआ है, वे भी आवेदन दे सकते हैं। इसके लिए उन्हें संयुक्त दस्तावेज और वंशावली जमा करनी होगी। सर्वे कर्मी इन दस्तावेजों के आधार पर संयुक्त खतियान बनाएंगे, जिससे सर्वे प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सकेगा। सर्वे के लिए आवेदन करने वाले लोग पुरानी रसीद भी साक्ष्य के रूप में जमा कर पाएंगे। इसके अलावा अमीन और अन्य सर्वे अधिकारी घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। किसी प्रकार की समस्या आने पर विभाग की टोल फ्री नंबर हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए इस नंबर पर फोन कर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बिहार के किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड के दो शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है। इस निर्णय के पीछे का कारण है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में 60% से कम अंक प्राप्त करना। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने आदेश जारी करते हुए बताया कि बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान जिन शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी, उनमें से उन सभी का चयन रद्द किया जाएगा जो बिहार के बाहर से हैं, जो बिहार से बाहर के निवासी हैं और जिन्होंने सीटेट में आवश्यक अंक प्राप्त नहीं किए हैं। बर्खास्त किए गए शिक्षकों में शामिल हैं राहुल क्षेत्रीय, जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय निबगुड़ी में तैनात थे, और मोतीलाल यादव, जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय रसिया में कार्यरत थे। बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति ने पीएम जन आरोग्य और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक कार्यशाला का आयोजन किया। ये कार्यशाला इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में आयोजित की गई, जिसमें संस्थान के निदेशक, चिकित्सा अधीक्षक और आयुष्मान नोडल पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यशाला के दौरान समिति के अधिकारियों ने बताया कि अब तक 1.5 करोड़ परिवारों और 3.57 करोड़ व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। राज्य में इस योजना के तहत 586 सरकारी और 435 गैर सरकारी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी शशांक शेखर सिन्हा ने कहा कि इस योजना के तहत जरूरतमंद लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क इलाज प्रदान किया जाता है। अब साइंस, लॉ, इंजीनियरिंग और कृषि से संबंधित किताबें हिंदी में भी उपलब्ध होंगी। ये कदम नई शिक्षा नीति के तहत उठाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय और मातृभाषाओं को बढ़ावा देना है। बता दें कि हाल ही में भारतीय भाषा समिति में बिहार को पहली बार प्रतिनिधित्व मिला है। इस समिति ने बिहार को विशेष जिम्मेदारी दी है कि वे उन विधाओं की किताबें तैयार करें जो आमतौर पर अंग्रेजी में उपलब्ध रहती थी। जेपी विश्वविद्यालय छपरा के नेतृत्व में बिहार के सभी विश्वविद्यालय मिलकर ये काम करेंगे। कुलपति प्रोफेसर परमेंद्र कुमार वाजपेयी ने बताया कि ये फैसला राजभवन में कुलपतियों की बैठक में लिया गया था। इधर बिहार के बांका में दुर्गा पूजा के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किए गए 7 दारोगाओं को निलंबित कर दिया गया है, जबकि एक सिपाही को सेवा से बर्खास्त किया गया है। पुलिस अधीक्षक सत्य प्रकाश ने बताया कि ये सभी ड्यूटी के दौरान गायब पाए गए थे। निलंबित किए गए दारोगाओं में राजौन थाने के गुलशन कुमार, कटोरिया थाने के दीपक सिंह और कृष्णा कुमार, साथ ही पुलिस लाइन के मोहम्मद मकसूद, उदय कुमार, अलका कुमारी और आर्यन कुमार शामिल हैं। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक ने भगौड़े 10 सिपाहियों के खिलाफ भी बर्खास्तगी की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिनमें पूजा कुमारी को पहले ही बर्खास्त किया जा चुका है। पटना मेट्रो के 6 भूमिगत स्टेशनों और टनल के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसमें 5 एजेंसियों ने भाग लिया और सबसे कम बोली लगाने वाली एजेंसी को निर्माण काम का टेंडर दिया जाएगा। इस परियोजना का कुल बजट 3,060 करोड़ रुपए है और चयनित एजेंसी को इसे 42 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। खास बात यह है कि इस निर्माण काम के लिए फंडिंग जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी द्वारा की जाएगी। 29 मार्च 2023 को पटना मेट्रो और जायका के बीच करार हुआ था। इस करार के तहत पटना मेट्रो को जायका ने 5,158 करोड़ रुपए का लोन देने पर सहमति दी थी। जिन स्टेशनों का निर्माण होना है उसमें पटना जंक्शन, विद्युत भवन, विकास भवन, पटना जू, राजा बाजार और रुकनपुरा शामिल है। मोतिहारी के दियारा इलाके में पुलिस ने अवैध शराब भट्टियों के खिलाफ छापेमारी की, जिसमें 6 भट्टियां ध्वस्त की गई और लगभग 11,000 लीटर अर्धनिर्मित चुआई शराब नष्ट की गई। ये अभियान मोतिहारी
ये अभियान मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात के नेतृत्व में सिकरहना एसडीओ और एसडीपीओ अशोक कुमार के साथ मिलकर ड्रोन कैमरा और नाव का उपयोग करके किया गया। इसके अलावा तुरकौलिया थाना क्षेत्र में एक मिनी शराब फैक्ट्री का भी खुलासा हुआ है, जहां से भारी मात्रा में शराब और पैकिंग मशीन बरामद हुई। एसपी ने चेतावनी दी है कि शराब तस्करों को सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। बिहार की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया है। अदालत ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया कि वे केजरीवाल को पेश करें। बता दें, ये मामला जो है पीएम नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ है, जिसमें केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने मोदी को अनपढ़ कहा था। शिकायतकर्ता ने कहा कि ये बयान संवैधानिक पद पर बैठे मोदी के समर्थकों की भावनाओं को आहत करता है। बता दें कि इसकी अगली सुनवाई जो है 16 नवंबर को होगी। ये मामला लगभग 1.5 साल पुराना है। बिहार में 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर जनसुराज पार्टी ने तरारी और बेलागंज विधानसभा सीट से अपने प्रत्याशियों में बदलाव किया है। तरारी से किरण सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और महिला सशक्तिकरण और शिक्षा के क्षेत्र में एक्टिव रहती हैं। वहीं बेलागंज सीट से मोहम्मद अमजद को प्रत्याशी बनाया गया है, जो कि पहले मुखिया और अनुभवी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। इस बदलाव की घोषणा जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर और कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज भारती की उपस्थिति में आज की गई। अब चलिए बात कर लेते हैं भारतीय क्रिकेट के स्टार बैटर विराट कोहली की उस ऐतिहासिक पारी के बारे में, जिसने 23 अक्टूबर 2022 को आज ही के दिन T20 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई थी। विराट कोहली ने उस मैच में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाते हुए नाबाद 82 रन बनाए। भारत की शुरुआत काफ़ी ख़राब रही, जब टीम ने सिर्फ 31 रन पर 4 विकेट खो दिए, लेकिन कोहली ने एक बार फिर दिखाया कि क्यों उन्हें किंग कोहली कहा जाता है। उन्होंने अपनी पारी में 2 शानदार छक्के मारे, खासकर हारिस रऊफ के खिलाफ। इस मैच में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 159 रन बनाए थे और भारत को जीत के लिए 160 रन बनाने थे, लेकिन भारत की शुरुआती जो स्थिति थी काफ़ी कमज़ोर थी। लेकिन कोहली ने न सिर्फ पारी को संभाला, बल्कि अंतिम ओवर में एक अद्भुत प्रदर्शन करते हुए भारत को जीत दिलाई। उन्होंने आईसीसी द्वारा शॉट ऑफ द सेंचुरी का खिताब भी अपने नाम किया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है सुशील कुमार मोदी, रवि लाल सोनी, मोहम्मद इरफान, अनवर करीम खान, मंगल पासवान, रंजीत मिश्रा, राम बाबू दास, शशि कुमार, मोहम्मद शाकिर हुसैन, रवि मोहन वर्मा, गोनर शर्मा, संजीव कुमार, नौशाद रजा, राम बाबू यादव, मोहम्मद अजमेर, रूपा कुमारी, राकेश मिश्रा, मोहम्मद असलम, बाबूलाल मरांडी, कुंदन कुमार, रवि कुमार गुप्ता, आलोक प्रियदर्शी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र के लोग ज्यादातर किस तरह के व्यवसाय करते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।